तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर सब सबको आपके अपने चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे शिबा इनु से जुड़ी कुछ लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम जानेंगे कि शिबा इनु का प्राइस जो है आपको कहाँ तक देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब क्यों करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है आपको रेगुलर बेसिस में सिग्नल्स मिलते रहेंगे, जिससे आप बहुत अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट भी कर सकते हो। और यहाँ पे लॉस की अगर आप बात करोगे तो फिर लॉस बहुत ज़्यादा कम होता है। हमने जितने भी आज तक सिग्नल्स दिए हैं उनमें से 95% सिग्नल जो है से है जो है हमारे सब्सक्राइबर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी लिया है। तो अगर आपको भी ऐसे प्रॉफिट चाहिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने 4 आवर का ये जो है अपना शिबा इनु का चार्ट जो है ले लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 0.4x0.3598, तो यहाँ पे जो है हमारा सपोर्ट है 0.4x0.3598 पर, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 0.4x0.45 यहाँ पे जो है हमारा माइनर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको, अगर अभी आप एंट्री लेना चाहते हो तो फिर मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो अगर आप एंट्री लेना ही चाहते हो या फिर रिस्क लेना ही चाहते हो तो फिर आपको अपना हार्ड अर्निंग यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है इसके ऊपर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जहाँ पे अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है। और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें जो है बुलिश सिम्टम बन रहा है, तो वहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है। बाकी यहाँ पर अगर आपको शिबा इनु में इन्वेस्ट करनी है तो फिर मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है आप लोगों के लिए। अगर आप करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे जाकर रजिस्टर करके अपने फ्रेंड को भी रेफर कर सकते हो, यहाँ से आपको 800 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाएगा। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा मनी होगा वो जो है अभी आप शिबा इनु में लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1 से भी कम है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पर एंट्री लेने के लिए। अगर आप लेना ही चाहते हो तो फिर मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे लेनी है। बाकी यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो फिर मैं आपको यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल में भी बता दूंगा और टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा कि अगर आपको एंट्री लेनी है तो फिर आप एग्जैक्टली कहां पे एंट्री ले सकते हो। बाकी यहां पे मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप फोमो में आके यहां पे आप देख सकते हो कि शिबा इनु का प्राइस थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, उसमें फोमो में आके आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। क्योंकि यहां पे अगर प्योर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अगर देखा जाए तो फिर शिबा इनु में अभी इस टाइम पे कोई भी एंट्री नहीं बनती है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर आप यहां पे इस चार्ट को गौर से देखोगे तो फिर आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि यहां पे ना ही ये रेजिस्टेंस से भी नीचे आ चुका है और यहां पे जो है सपोर्ट से भी नीचे चल रहा है। तो इसके कारण मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी शिबा इनु में एंट्री लेने के लिए। बाकी अगर आपने हमारे कहने पर एंट्री भी ली थी तो फिर आपका यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा। हमने आपको सेल टारगेट भी बता दिया था पहले कि अगर आपने हमारे कहने पर एंट्री भी लिया है तो फिर आपको सेल कहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि शिबा इनु को लेकर जो भी आपका यहाँ पर डाउट था। तो अभी बात कर लेते कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जिसके कारण आपको शिबा इनु के प्राइस में एक अच्छा खासा रैली देखने को भी मिल सकता है। तो शिबा इनु से जुड़ी बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट न्यूजेस निकल के आ रही है। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाउ पेमेंट्स, तो नाउ पेमेंट्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाउ पेमेंट इज द इजीएस्ट वे टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एंड ऑल कॉइन पेमेंट्स। तो यहाँ पे नाउ पेमेंट एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे बिटकॉइन और बाकी ओल्ड कॉइन्स को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नाउ पेमेंट ने बहुत पहले बोला था कि वो यहाँ पे शिबा पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि शिबा मी वी यू हैव वेटेड ए मंथ एंड फाइनली हियर इट इज टुडे, नाउ पेमेंट इज नॉट ओनली बर्निंग। तो यहाँ पे नाउ पेमेंट का पहले ही यही कहना था कि जितने भी इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांजेक्शन होंगे तो उसमें से जो है वो यहाँ पे 3% बर्न भी कर देंगे। तो यहाँ पे अगर बर्निंग की अगर आप बात करोगे तो फिर नाउ पेमेंट के द्वारा बहुत सारे शिबा टोकन्स को ऑलरेडी बर्न किया गया है, और यहाँ पे उनका यही कहना है कि अभी जो भी उससे प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से भी जो है वो यहाँ पे 3% फिर से बर्न करेंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि और भी ऐसे बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म्स है जो शिबा इनु को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे कल मैंने भी आपको बताया था कि न्यू एग जो है वो भी यहाँ पे शिबा इनु को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि द 3% फ्रॉम आवर प्रॉफिट इज नॉट मच वी वुड होप्ड टू ए गुड स्टार्ट। तो यहाँ पे पहले उन्होंने जो बोला था कि 3% बांड करेंगे तो अभी जो है ये उससे ज़्यादा भी यहाँ पे बांड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्पॉन्टेनियस डोनेशन ऑफ $2,000 का जो है यहाँ पे डोनेशन भी किया है शिबा इनु का। नाउ पेमेंट बांड्स यहाँ पे देख सकते हो 43 मिलियन शिब इन सपोर्ट ऑफ शिबा इनु कम्युनिटी, और शिबा इनु कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाउ पेमेंट्स ने 43 मिलियन जो है यहाँ पे शिबा इनु को ऑलरेडी बांड कर दिया है। तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि यहाँ पे शिबा इनु का जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण आपको शिबा इनु के प्राइस में कुछ भी होता हुआ भी दिख सकता है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको और भी ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी बताया था जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में शिबा इनु होल्डिंग में है, उन्होंने अभी यहाँ पे बहुत सारे
शिबा इनू को अपने एंड से यहाँ पे बर्न भी किया है। बाकी यहाँ पे और भी कुछ अपडेट्स के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, शिबा इनू में अगर ऐसे बर्निंग होगा तो शिबा इनू का प्राइस जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ऊपर जाता हुआ भी दिख सकता है। क्योंकि यहाँ पे शिबा इनू का प्राइस राइज क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक ही रीज़न है, उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे कम नहीं होगा तो फिर शिबा इनू के प्राइस में आपको कुछ अच्छा खासा यहाँ पे रैली देखने को भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ट्विटर की अगर आप बात करोगे तो फिर यहाँ पे ट्विटर में जो हर एक दिन शिबा इनू हमें ट्रेंडिंग में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ट्विटर में आके चेकआउट करोगे तो फिर यहाँ पे पहले नंबर पे आपको शिबा इनू कॉइन जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कल के डेट में भी मैंने आपको बताया था कि अगर ट्विटर के लिस्ट के अगर अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो फिर शिबा इनू का पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इथेरियम एंड अदर ओल्ड कॉइन्स। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहूंगा। बाकी यहाँ पे रॉबिनहुड में लिस्टिंग को लेकर जो भी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही थी, तो यहाँ पे देख सकते हो शिबा का जो कम्युनिटी है वो लगातार यहाँ पे रॉबिनहुड को टैग कर रही है कि शिबा इनू को यहाँ पे रॉबिनहुड में लिस्ट किया जाए। तो बाकी यहाँ पे रॉबिनहुड में अगर आप क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने कुछ ऐसे कंटेंट्स निकल के आ जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि शिबा इनू को रॉबिनहुड में लिस्ट किया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ देर पहले ही एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी शुड बी कीपिंग गोइंग, देयर इज ए मर्सी ऑलवेज शिबा में। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों ने रॉबिनहुड को रिक्वेस्ट किया है कि शिबा इनू को यहाँ पे उनके एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया जाए। और यहाँ पे अगर change.org में जो पिटीशन दर्ज किया गया था उसकी अगर आप बात करोगे तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5,41,809 जो है यहाँ पे ऑलरेडी सिग्नेचर हो चुके हैं और यहाँ पे टोटल 10 लाख सिग्नेचर की जरूरत है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे पहले भी हमने देखा है ऐसे और भी बहुत सारे पिटीशन भी दर्ज हुआ था, उसके बाद भी यहाँ पे रॉबिनहुड ने शिबा इनू को अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट भी नहीं किया था। तो क्या किसी को नहीं पता है कि कब रॉबिनहुड शिबा इनू को अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करेगा? लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे रॉबिनहुड शिबा इनू को अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट भी कर सकता है। बाकी यहाँ पे जब भी लिस्ट होगा तब आपको शिबा इनू के प्राइस में एक अच्छा खासा रैली देखने को भी मिल सकता है। बाकी जब भी लिस्ट होगा उससे पहले मैं आपको यहाँ पे अपडेटेड भी कर दूंगा ताकि आप लोग जो है यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले पाओ। बाकी यहाँ पे शिबा इनू से जुड़ी और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आ रही है, अगर मैं सब यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने लग जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बाकी वीडियोज़ में मैं ये सब कवर कर लूँगा। अगर आपको ऐसे और भी अपडेट्स चाहिए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।